हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम। वेलकम आपका मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में बात करूंगा एस्टिक एंड ओब्लिक द मिडिल किंगडम के बारे में, जिससे मैंने कुछ देर पहले देख खत्म किया है। इस मूवी को बुक माई शो पर हिंदी इंग्लिश सब लैंग्वेज में रिलीज किया गया है। तो दोस्तों, मैंने इस फिल्म को देखा है। इसे देखकर जो भी अच्छा बुरा एक्सपीरियंस था मेरा इस फिल्म के साथ, वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो, इस मूवी को काफ़ी टाइम पहले थिएटर में रिलीज किया गया था, उस फिल्म को हिंदी में रिलीज किया गया था, लेकिन मैंने उस टाइम फिल्म को नहीं देखा क्योंकि ना तो मेरी सिटी में फिल्म लगी थी और आस पास इलाकों के अंदर भी फिल्म को नहीं लगाया गया था ताकि जाकर मैं फिल्म देख सकूं। लेकिन इंतजार जरूर था यार मैं इस फिल्म को देखूं। मुझे यार के इसका जो पहला पार्ट आया था ना, वो बहुत पसंद था। ये सेकंड पार्ट भी दोस्तों दिल से जुड़ गया। देखो, ये एक मतलब बहुत ही यूनिक सी फिल्में होती हैं, यानी कि आप देख सकते हो, अगर आप इनके कैरेक्टर को पहचानते हो, इनको कार्टून बन चुके हैं, अगर इनके कैरेक्टर पहचानते हो तो ये फिल्में आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती। इधर भी दोस्तों एक मिशन है, पिछली बार एक मिशन था, अब ये इनको कैसे पूरा करते हैं वो आपको इस फिल्म में देखने मिलेगा। फिल्म की कहानी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, फिल्म की सिनेमोग्राफी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, जो भी स्क्रीन पर लिखा गया है आप उसके साथ जुड़ जाओगे, वो यार क्या लिखा गया है। ऊपर से जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है आपसे अटैच हो जाएंगे, मतलब जो भी कैरेक्टर जो कॉमेडी दिखा रहे हैं, जो मिशन दिखा रहे हैं, ये दो जने ये आपसे जुड़ जाएंगे, आपको ये फिल्म बोर बिल्कुल भी नहीं लगेगी। अगर आपने अभी तक फिल्म को देख लिया है तो आपकी फिल्म कैसी लगी कमेंट जरूर बताना। मेरी बात सही लगी होगी या जो भी बोले इस फिल्म के बारे में वो ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। नए हो चैनल, पहली बार आए हो, तो इस चैनल को सपोर्ट यानी अपना सब्सक्राइब जरूर कर जाना, ताकि आने वाले हर वीडियो में नोटिफिकेशन है ना, वो आप लोगों को मिल सके। मिलता अगली वीडियो में ऐसी एक और मूवी का रिव्यू लेकर।